रुपा जी, यूएस सोयाबीन वायदा तो देख रहे हैं कि लगातार तेजी की ही हो रहा है। बीच में अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशंस पहले $1600 तक $1700 के नीचे जरूर गया था, 1680 से $1690 की रेंज बनी थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि $1740 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने यूएस सोयाबीन को $1756 तक ट्रेड करते हुए देखा था जब रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी के आसपास। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो यूएस सोयाबीन लगातार तेजी की ओर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण क्या क्या है, और आगे सोयाबीन का बाजार ये जो यूएस में तेज हुआ है तो क्या उसका असर घरेलू सोयाबीन पर भी पड़ेगा? देखिए, जो विदेशी बाजारों में तेजी आ रही है उसका असर बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जहां तक सोयाबीन की प्राइसेस की बात है, इसके बढ़ने की बात है, फंडामेंटल देखिए, सबको पता है कि इस बार क्रॉप कैसा रहा था और जो विदेशों में लगातार फीका देखने को मिला है और इस वजह से डिमांड पिकअप होती हुई नजर आई और इसकी वजह से लगातार प्राइसेस जो है वो तेजी के अंदर कारोबार करते दिखाई दिए। अब थोड़ा सा ईज ऑफ आता हुआ दिखाई दिया था, खाने के तेल थोड़े से फीते थे, लेकिन एक बार फिर से वापसी से तेजी जो है वो पकड़ता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मार्केट कॉन्ट्रीब्यूशन में तेजी में रहता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल बाजार तेजी में नहीं है। छुटमुट खरीदारी अभी भी बनी रह सकती है, मतलब ट्रेंड नेगेटिव नहीं है तो खरीद बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार तेजी में है मार्केट, एक दो दिन हम देखते हैं कि करेक्शन आते हैं, उसके बाद फिर से भाव जो है वो उठने शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर से सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल सिनेरियो देखने को मिल रहा है जी।